हमारा देश भारत को देवों की भूमि कहा गया है। यहाँ पर समय समय अनेक देवी देवताओं, महान पुरुष, समाज सुधारक, युग प्रवर्तक, धर्म प्रवर्तक जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया और अपने बताए गए सत्य और धर्म की रास्ते के द्वारा विश्व को मानवता का संदेश दिया। इसी कड़ी में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध का नाम भी आता है, जिन्होंने सत्य अहिंसा के पाठ के जरिए पूरी मानवता को जीने की एक नई राह दिखाई थी। इस वीडियो में आपको भगवान बुद्ध के कुछ विचार शेयर करेंगे। सभी गलतकारों की नींव मन से होती है। यदि मन परिवर्तित और पवित्र हो जाए तो गलत कार्य नहीं हो सकता। जो लोग चतुराई से जीते हैं उन्हें मौत से डरने की जरूरत नहीं है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी तरह खुशियां बांटने से खुशियां कभी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं। क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती बल्कि अपने क्रोध से की गई गलतियों के लिए सजा मिलती है। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और न ही भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। तीन चीज़ें कभी नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। हजार शब्दों से वो शब्द अच्छा है जो शांति देता है। हजारों लड़ाई लड़ने की बजाय खुद पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, फिर जीत हमेशा खुद की होगी, जिसे कोई नहीं छीन सकता। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं रह सकता है। शांति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। समुद्र भी बूंद बूंद से भरता है। हमारा दिमाग ही हमारा दोस्त और हमारा दुश्मन है। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपना काम खुद से करना चाहिए। अच्छा स्वस्थ ही सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अपनी मुक्ति के लिए खुद से प्रयासरत बने, दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जो ईर्ष्या और जलन की आग में तपते रहते हैं उन्हें कभी भी शांति और सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अज्ञानी होना बैल होने के बराबर है, जो सिर्फ आकार में बड़े होते हैं लेकिन उनके दिमाग में कोई बुद्धि नहीं होती। क्रोधी व्यक्ति की स्थिति ठीक वैसी होती है जो कि जलते हुए आग के टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करता है और उसमें वो स्वयं जल जाता है। भले ही चाहे कितने ही अच्छी बातों को पढ़ लें या उन्हें सुन लें, उसका तब तक फायदा नहीं है जब तक कि आप खुद उस पर अमल नहीं करते। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। शरीर को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को मजबूत और स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। बिना सेहत के स्वस्थ जीवन की कल्पना करना बेमानी है, जो कि पीड़ा की स्थिति होती है जिसे मौत का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। हमारा रास्ता हमें खुद से बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारी किस्मत भी खुद से बनाते हैं। हम तभी असफल होते हैं जब हम असत्य का सहारा लेते हैं। हमारा दुश्मन हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना हमारा विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकता है। ये कभी मत सोचो कि क्या हो गया है, बल्कि ये हमेशा करने की सोचो कि हमें आगे क्या करना है। गलत चीज़ों की शुरुआत हमारे गलत विचारों से ही आते हैं। जो करना है आज ही करो, क्या पता कल हमारे पास जिंदगी ही ना रहे। बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही तुम्हारी गलतियाँ तुम्हें बता सकते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता खुद से होते हैं। अगर लापरवाह हो तो नर्म घास से भी हाथ छिल जाते हैं। इसलिए धर्म के प्रति की गई लापरवाही हमारे नर्क के द्वार पर हमें ले जाती है। हमारा शरीर अनमोल है, खुद को जागृत करने का सबसे बड़ा साधन है, इसीलिए इसका हमेशा ख्याल रखो। यदि हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते
तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? और यदि समस्या का कोई हल ही नहीं हो तो फिर उस पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो आपका काम है लगातार आगे चलते रहना। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वे सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार व्यक्ति हमेशा निडर और धैर्यशील होता है, जो समय आने पर ही बोलता है। यदि हम अपने पसंद का काम ढूंढ लेते हैं तो हमारा फर्ज है उस काम को करने में खुद को लगा देना चाहिए। आप तभी खुश रह सकते हैं जब आप बीत गई बातों को भुला देते हैं। यदि अध्यात्म और सत्य की राह में कोई नहीं मिलता तो अकेले ही चलना चाहिए। दर्द तो मिलना स्वाभाविक है, फिर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में है। अगर बुराई से दूर रहना है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के मन में अच्छे अच्छे विचारों का विकास करिए। मोह बंधन ही सभी दुखों का जड़ है। जो आज हम कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हर व्यक्ति को सजा से डर लगता है, सभी लोग मौत से डरते हैं। सभी लोगों को अपने सम्मान समझिए, कभी किसी जीव की हत्या ना करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। माता पिता बनना सबसे प्यारा अनुभव होता है। उत्साह से जीवन जीना और खुद पर महारत हासिल करना खुशी देता है। बुरे व्यक्ति को कभी भी अच्छाई से जीता जा सकता है। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही खुशी है। जो लोग थोड़े में भी खुश हो जाते हैं वही व्यक्ति ज़्यादा खुश होते हैं। अगर खुद से प्यार करते हो तो निश्चित आप कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते। खुशी अपने से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है। पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे जितना ताकत लगा ले, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी तक को मिटा नहीं सकता। संदेह या शंका करना एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो सारे रिश्तों को पल भर में तोड़ देती है। मन की अवस्था सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर है। झरना बहुत ही शोर मचाता है, जबकि सागर हमेशा गहरा और शांत रहता है। जो व्यक्ति खुद के क्रोध पर काबू पा लेता है वो कुशल गाड़ीवान के समान है, जो विषम परिस्थिति में भी अपने गाड़ी को संभाल सकता है। हमेशा सोच समझ कर ही दूसरों पर भरोसा करें, अपनी मंजिल का रास्ता खुद से बनाएं। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते उन्हें ही सच्चे मन की शांति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती, वो अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखरते रहता है, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से ही मरे होते हैं।